भगवान कृष्ण जब लीला करके जब भगवान अपना जगत में गए कद हम लोगों को ऊपर में कृपा करने के लिए प्रभु तीन रूप में जगत में रहे प्रभु ये हम जीवों को ऊपर कृपा करने के लिए बोले पहला स्वरूप क्या रहे बोले भगवान जो वृंदावन धाम में प्रभु लीला कर रहे थे प्रभु ये धाम को छोड़ कर गए इसलिए अब लोग कार्तिक महीना में जाते हैं कृष्ण कहाँ पर बंसुरी बजाए कहाँ पर मखन चोरी किया था कहाँ पर उनने पुतना को वध की कहाँ पर प्रभु रास रचाए कहाँ पर वो गैया चराते थे कहाँ पर राधा रानी की चिंता करते करते गौरव वर्ण बन गए अब जाते हैं हम दर्शन करते एक महीना पूरा भगवान का धाम का दर्शन करते कहते एक चीज प्रभु छोड़ कर गए उनका जो धाम था कहते प्रभु दूसरा स्वरूप क्या छोड़ कर गए कहते भगवान ये यमुना नदी को छोड़ कर गए यमुना महारानी है कहती ये दूसरे स्वरूप श्री यमुना पटरानी है कहते तीसरा चीज क्या छोड़ कर गए कहते भगवान ये गिरिराज गोवर्धन को प्रभु छोड़ करके जाते हैं इसलिए कहते ये तीन चीज प्रभु भगवान ये जगत में छोड़ कर गए लेकिन ये जो तीन चीज है यद्यपि ऊपर से हम देखने के लिए लगता है पहाड़ है साधारण पानी बह रही है साधारण धाम लेकिन ये धाम साधारण नहीं ये पितामह ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं बोले वृंदावन धाम क्या है
चिंतामणि प्रखर सदम सुकल्प वृक्ष लख्यावृत सुसुरभि रभिपालयंतम। कहते वृंदावन का जो धूलि कणा है चिंतामणि है, वहां का जो वृक्ष वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष है, वहां का नदी नहीं यमुना नदी नहीं, कहते राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर एक नदी रूप में वो स्वयं विशाखा सखी है वो नदी रूप में बह रही है। बोले गिरिराज गोवर्धन किया है, बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होता है वो तो यमुना रूप धारण करती है, जब एकत्रित तो होकर के प्रेम कहीं जम जाता है कब उसी समय ये गिरिराज गोवर्धन है। कहते जो वृंदावन जो धाम है ये अपराकृत ये चिंतामणि है, जो कुछ चिंता करेंगे वृंदावन धाम हमें सो प्रदान करती है, इसलिए वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं। इसलिए कहते ये गिरिराज गोवर्धन आए कहाँ से, वृंदावन धाम कहाँ से आए। बोले जब भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन से इसी जगत में आना चाहते थे, एक दिन भगवान कृष्णा श्री राधा रानी से बोलते, बोले हे राधे मेरे साथ में तुमको जाना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले इसे मरते जगत में मैं लीला करना चाहता हूँ। राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहाँ पर यमुना नदी नहीं, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, हाँ मैं वहां जाकर क्या करूंगी। तब कृष्ण कहते हैं राधे जब मैं ये गोलोक वृंदावन से ये मरते जगत में जाऊंगा मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, ये वृंदावन जो धाम जो देख रहे हो वो पूरा के पूरा मैं प्रकट करा लूंगा। हाँ इसलिए भगवान जब आए बोले सपार सदस्य धाम सहवदय, कहते परिकरों को साथ में धाम को लेकर के भगवान आए। इसलिए वृंदावन में जहां जहां हम दर्शन करने जाते हैं जैसे बरसाना नंदगांव को खिलावन जावट ये सब कैसे गोलोक वृंदावन है, सब कैसे गोलोक वृंदावन है। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन इसी जगत का कोई साधारण वस्तु नहीं, वो साक्षात गोलोक वृंदावन से ही हमारा पर भी कृपा करने के लिए ये जगत में आए हैं। इसलिए कति श्री गर्ग संहिता में बताया ये गिरिराज गोवर्धन कैसे प्रकट हुए। हाँ तो वहां पर बताया कि एक समय राधा और कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, कृष्णा राधा रानी को बोले हे राधे ऐसे एक धाम हो, ऐसे एक स्थान हो जहां पर एक साथ में छह ऋतु बहता हुआ हो, जहां पर सुंदर सुंदर कुंजर हो, जहां पर सुंदर सुंदर झरना हो, जहां पर सुंदर सुंदर तालाब हो, जहां पर हर तरह का फल जहां पर मिले, हर तरह का फूल जहां पर मिले, ऐसे एक धाम होनी चाहिए, स्थान होनी चाहिए। तब राधा रानी कहते प्रकृत है मन सजात, तब राधा रानी अपना हृदय से ही कहती गिरिराज गोवर्धन को स्वयं राधा रानी प्रकट करती हैं कृष्ण लीला विलास के लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। कहती ये गर्ग संहिता में है, कहती ये भविष्य पुराण में कथा आती है, कहती ये कृष्ण का नेत्र से ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण का नेत्र से ही प्रकट हुआ है, ये भी एक कथा सुनने को मिलती है। गिरिराज कहाँ से प्रकट हुई? कहते हैं गिरिराज का स्वरूप क्या है, ये गिरिराज है क्या चीज। कहते अलग अलग पुराण में अलग अलग कथा आती है, एक पुराण में कथा आती है कि एक समय कहते ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की भगवान राधा और कृष्ण की। जब राधा कृष्ण संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो? बोले हे प्रभु आपकी चरण की हमें सेवा चाहिए। भगवान ने पूछा किस रूप में चाहते हो? देखो यहाँ पर ब्रजधाम की महिमा को बता रहे हैं, ये ब्रजधाम की कितना महिमा है, जहाँ पर जो तीन देवता को सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि स्थिति और पालन करने वाले, लेकिन ये ब्रजधाम की महिमा को बता रहे हैं। कहते किस रूप में मेरी सेवा करना चाहते हो? तब कहते हे प्रभु हम तो इतने कोई पुण्य किया ही नहीं जो ब्रज में आपका सखा हो जाए सखी हो जाए। हाँ शंकर जी तो गोपीश्वर बन करके आए लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते प्रभु ब्रज में तो कोई जन्म हो ही नहीं सकता, ब्रज का बाहर मुझे कोई पत्थर का जन्म दे दो। ब्रह्मा कहते हैं तब ये तीनों देवता ने कहा अगर हम ब्रज में कहीं पहाड़ रूप में भी हमारा जन्म हो जाए और हमारा ऊपर में अब अगर सुंदर लीला करे आपका चरण का अगर स्पर्श हो तो हम अपना जीवन को धन्य मानेंगे। भगवान तथास्तु बोलते हैं।
तब ये तीनों देवता ब्रज में तीन पर्वत रूप में जन्म लिया है, इसलिए जो नंदगांव है हम लोग सब गए, और नंदगांव और कोई नहीं जो ऊपर शंकर जी, उनका नाम नंदीश्वर महादेव, ऊपर जो आप लोग देखोगे शंकर जी और नंदीश्वर महादेव, नंदीश्वर मतलब नंदी का ईश्वर शंकर जी, कहते तो पर्वत नहीं स्वयं शंकर जी पर्वत रूप में प्रकट हुए। जो बरसाना जब सीढ़ी को पार होकर जाते सीधा हाथ में ब्रह्मा का तपस्या स्थल है, कहते बरसाना नहीं वो ब्रह्माचल पर्वत है, ये ब्रह्मा स्वयं ये पर्वत रूप धारण करते। कहते से गिरिराज कौन है, बोले गिरिराज और कोई नहीं, कहते भगवान विष्णु ही, कहते ये गिरिराज का स्वयं रूप धारण किया है, इसलिए गिरिराज का जो जो एक स्वरूप है, कहते साक्षात भगवान विष्णु ही ये गिरिराज गोवर्धन रूप धारण किया है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, इसलिए उनका ये एक स्वरूप है। कहते उनका दूसरा स्वरूप क्या है, कहते गिरिराज का जो दूसरा स्वरूप है, कहते ये भगवान स्वयं ये कृष्ण ही ये गिरिराज रूप धारण किया, और कोई नहीं कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए जब कृष्ण इंद्र पूजा बंद करा के स्वयं गिरिराज की पूजा किया, कहते एक स्वरूप में तो उन्होंने पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में उन्होंने गिरिराज का रूप धारण किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब गिरिराज शिला दिया, गुंजा माला दिया, महापुरुष स्वयं कह रहे हैं बोले रघुनाथ ये गिरिराज और कोई नहीं, ये गिरिराज स्वयं कृष्ण में तुमको दे रहा हूँ, ये गुंजा माला और कोई नहीं श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कहते ये गिरिराज का जो दूसरा स्वरूप है ये स्वयं भगवान कृष्ण स्वरूप है। कहते उनका तीसरा स्वरूप क्या है, कहते तीसरा स्वरूप में राधा रानी ये वेणु गीत में ये राधा रानी स्वयं बता रही, बोले गिरिराज कौन है, बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शो प्रमुख। राधा रानी कह रही कहती गिरिराज ये क्या हम महिमा बताए, ये गिरिराज तो हरिदास वर्ज्य है, हरिदास वर्ज्य मतलब तीन हरिदास बताए, पहला श्री युधिष्ठिर महाराज, दूसरा से उद्धव है, और सबसे जो बड़ा हरिदास है कहते श्री गिरिराज गोवर्धन है। कहते ये क्या करता है, राधा रानी कह रही कह देखो गिरिराज की कितने सौभाग्य, बोले कृष्ण कहाँ गैया चराते हैं, बोले गिरिराज के ऊपर में, बोले कृष्ण कहाँ का पानी पीते हैं, बोले गिरिराज झरना का पानी पीते हैं, बोले कृष्ण फल कहाँ से खाते हैं, बोले गिरिराज में जो सुंदर फल होता है कृष्ण फल को खाते हैं। कहते उसको जो गला में फूल का माला पहनते कहाँ से आता है, बोले गोपियाँ गिरिराज गोवर्धन से सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके सुंदर माला बना करके कृष्ण को गला में पहनाते हैं। बोले कृष्ण लीला कहाँ करते हैं, बोले गिरिराज ही कंदरा कंदरा में कुंजो कुंजो में, बोले जल विहार कहाँ करते हैं, बोले राधा कुंड में जल विहार करते हैं, बोले झूला कहाँ खेलते हैं, बोले से गिरिराज गोवर्धन में, कद बैठते कहाँ, बोले गिरिराज शिला के ऊपर में, बोले चलते कहाँ, बोले गिरिराज के ऊपर में, बोले गिरिराज मतलब कितने तरह से ये गिरिराज कृष्ण की, कितने तरह से गिरिराज गोवर्धन सेवा करते हैं। इसलिए राधा रानी कहती है चलो हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन में जाएंगे, कृष्ण वहीं पर सारी लीला की, गिरिराज की कृपा होगा तो फिर कृष्ण की कृपा हमारे पर होगी। इसलिए राधा रानी ये बात को स्वयं कहती है। इसलिए इनका जो तीसरा स्वरूप है ये हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति जब उन्होंने ब्रज गोपियों की महिमा को समझे, बोले ये इच्छा हमारा पूरी कैसे होगा, बोले गिरिराज की कृपा हो तो। इसलिए उद्धव जी गिरिराज तलहटी में कुसुम सरोवर में वहां पर घास बन करके श्री उद्धव जी वहां पर जन्म लिए घास रूप में। श्री नारद जी कहाँ पर, बोले नारद कुंड, उन्होंने भी जब गोपी स्वरूप को इच्छा हुई वो भी उन्होंने भी गिरिराज की आश्रय लिया। इसलिए हमारे रघुनाथ दास को सब जितने सबके सब श्री गिरिराज की चरण की सब आश्रय ग्रहण किया, मतलब समझो ये गिरिराज कितने महिमा है श्री गिरिराज की। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए कहते ये गिरिराज पूजा का प्रवर्तन कैसे हुआ, बोले भगवान कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने ही गिरिराज प्रवर्तन पूजा किया है। बोले उन्होंने क्यों किया, कृष्ण ने देखा ये बहुत सारे कारण बताया, कृष्ण किस लिए उन्होंने श्री गिरिराज की पूजन किए इसका कारण किया था। बोले इसका प्रथम कारण था, कृष्ण ने देखा ये इंद्र का अंदर में ये बड़ा अभिमान हो गया है। बोले क्या अभिमान, कहते इंद्र सोच रहा है ये जितने सारे ब्रजवासी मेरे प्रजा है
और मैं राजा हूं, अगर मैं बारिश से नहीं बरसाऊंगा तो घास नहीं होगा, घास नहीं होगा तो गैया कहाँ से खाएंगे, और गैया नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से देंगे, फिर ब्रजवासी लोग खाएंगे कहाँ, तो मर जाएंगे। इसलिए मैं हो गया राजा और ये सब के सब मेरे प्रजा है, ये सब के सब ये ब्रजवासी। कृष्ण ने देखा तुमको पता नहीं ये ब्रजवासी लोग है कौन, ये ब्रजवासी लोग और कोई नहीं, राधा रानी तो मेरा ही स्वरूप है, और जितने सखा है मैं ही सखा का रूप धारण किया हूँ, बलदेव ब्रह्म मेरा अभिन्न स्वरूप है, जिस नंद बाबा का जुक्की को मैं स्वयं सिर पर धारण करता हूँ, जो मैया जो सदा मेरे को उखल में बांध डालती है अपना प्रेम को बड़ा बसीभूत तो होकर के, सखाओं को मैं झूठन खाता हूँ, ये सब मेरे मेरा ही स्वरूप है। और अभी तुम्हारा मन अभिमान है ब्रज का राजा मैं और ये सब के सब प्रजा है, अभी कृष्ण चाहते हैं इंद्र का सारे घमंड को दूर करे, हाँ दूर करे, इसलिए भगवान ये गिरिराज पूजा के प्रवर्तन किया है। और जगत में ये जो गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण है नहीं, ये साक्षात भगवत स्वरूप है, हमारा जितने इच्छाओं को कहते अगर कोई पूरी कर सकता है श्री गिरिराज गोवर्धन पूरी करते हैं, इसलिए गिरिराज का नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ आपका मन में इच्छा हो आप गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज आपको सारी इच्छा पूरी करते हैं। कभी गिरिराज की इतने महिमा है, आप कभी कार्तिक महीना में तो आप जाते हो, कभी अधिक महीना में जाओ, हाँ अभी गुरु पूर्णिमा आई जाओ, इतने भीड़ होता जो सोच नहीं सकते, 10 किलोमीटर पहले तो वहां गाड़ी को रुकवा देते हैं, वहां से चलते चलते जाएगा, लाख लाख लोग सॉरी सो फेंको को तो नीचे नहीं गिरेगा, अगर परिक्रमा रास्ता में उतर गए आपको परिक्रमा लगाने का जरूरत नहीं, आपको धक्का मारते मार जो मेरा परिक्रमा करके वहीं पर ला देंगे, इतने भीड़ है गिरिराज का, इतने दूध वहां चढ़ाते हैं, वो जैसे झरना रूप में दूध बह रही है, वो जैसे एक वहां तालाब है दूध का तालाब, इतने दूध वहां पर चढ़ाते हैं गिरिराज गोवर्धन की, इसलिए कहते कलयुग में वो प्रकट साक्षात देवता है, हाँ इसलिए कहीं जिनका बेटी की शादी नहीं होती है बोले गिरिराज गोवर्धन में जाओ मनवती करो, कहते पेड़ का पेड़ बांध दो बेटी की शादी हो जाएगी, आपको जितने तालाब मंजिल मकान चाहिए गिरिराज शिला गोबर में जितना शिला आप रख लो उनके पास में प्रार्थना कर लो, हे गिरिराज हमको इतने तालाब मंजिल मकान चाहिए, कहते गिरिराज आपको सब इच्छा पूरी कर देंगे, इसलिए कहते साक्षात प्रकट देवता है, जो परिक्रमा करते हैं गिरिराज गोवर्धन की, कहते कृष्ण उसको पीछे 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 कृष्ण चलते हैं, ये मेरे पास में क्या मांगेगा, जो मांगेगा हम उसको 100 दे देंगे, इसलिए ये कृष्ण का भी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए गिरिराज की महिमा दुनिया में, गिरिराज जैसे प्रकट देवता कहीं पृथ्वी में है ही नहीं, इतने श्री गिरिराज की महिमा है, इसलिए कृष्ण चाहते थे ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा को हम जगत में प्रकाश करें, केवल अगर हमारा पूज्य है श्री गिरिराज गोवर्धन ही हमारा एकमात्र पूज्य है, इसलिए कृष्ण एक दिन कृष्ण ने देखा कहते मैया जसोदा वो तो रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ और रात भर प्रसाद बना रही, कितने खाना बना रही थी, कृष्ण अभी 7 साल 2 महीना के कृष्ण हो गए, हाँ इतने में कृष्ण जा करके मैया को बोल रहे कहते माँ इतने तू रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब क्यों बना रहे हो, क्या कल मेरा जन्मतिथि है, बोले नहीं तेरा जन्मतिथि नहीं, बोले क्या दाऊ भैया का, बोले नहीं तो पिताजी के पास में जा, भैया को पता है लाला बड़ा नटखट है, पता नहीं किस चीज में हाथ लगा देगा, बच्चों का स्वभाव है ना कोई चीज हो तो बना रहे मुंह डाल देते हैं, कहते इंद्र के लिए बन रहा है फिर अपराध हो जाएगा, इसलिए बोले तू बाबा के पास में जा, अभी कृष्ण बाबा के पास में आ गए, भाई बाबा जी को गोद में बैठे, बाबा का दाढ़ी पकड़ लिए नंद बाबा का, बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ ऐसे क्यों बना रही है, कल क्या मेरा जन्मतिथि है, बोले नहीं तेरा जन्मतिथि नहीं, क्या दाऊ भैया का, बोले नहीं फिर इतनी सारे चीज बन रहा है क्या मतलब क्या है, बोले बेटा हम श्री इंद्र की पूजा करेंगे, बोले बाबा इंद्र पूजा क्यों करोगे, बोले लाला हम किसान है हम ग्वाला है, हमारा जो मूल धन गाय है गैया है, गैया का दूध मक्खन मिश्री यही हमारा जीवन का आहार है, और स्वर्ग का राजा इंद्र है उनका आदेश पर टाइम पर बारी बरसने पर घास होता है, घास को गैया खाते हैं, फिर गैया ही दूध देते, दूध से जो कुछ बनता है, कृष्ण ने कहा बाबा ये बताओ
जहां पर ये इंद्र पूजा नहीं होता है क्या वहां बारिश होती नहीं? बोला हाँ होता होगा। बोले जब वहां बारिश होता है जीव अपना कर्म का फल भोग करते हैं, इसलिए हम जैसे कर्म करेंगे हम फल भोग के यहाँ पर यहाँ भी बारिश होगी, इसलिए बाबा इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं। कर नहीं बेटा, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के ये सबके सब पूजा करते हुए आ रहे हैं, जो परंपरा में जो चलते हुए आ रहे हैं वो चीज को हमें भी रक्षा करनी चाहिए। तब कृष्ण ने कहा पिताजी हमारा जो ब्रज का जो प्रकट देवता कहती गिरिराज गोवर्धन है, हम जो ब्रजवास कर रहे हैं ये गिरिराज की कृपा से हम कर रहे हैं। बोले बाबा घास कहाँ होता है? बोले गिरिराज गोवर्धन में। बोले जानते हैं बाबा उस समय गिरिराज गोवर्धन बहुत 64 मील ऊंचाई थी, इसलिए उनका नाम गिरिराज, जैसे हम कहते हैं ना हिमालय एवरेस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा कहते। बोले नहीं, कहते उसी समय पृथ्वी में सबसे ऊंचा जो था ये गिरिराज गोवर्धन था, हाँ इसलिए उनका नाम गिरिराज। बोले गिरिवर में जो राजा थे, बोले ये मेघ आकर के गिरिराज में टकरा करके ये बारिश होता है, हम जैसे कर्म करते कर्म का अनुरूप हमको फल मिल रहा है, ये गिरिराज की कृपा से सब कुछ होता है। बोले फल कहाँ से मिलता? बोले गिरिराज से। बोले पानी हम कहाँ से पी रहे? बोले गिरिराज से। बोले गैया घास कहाँ खाते? बोले गिरिराज से। बोले पिताजी जो गिरिराज साधारण नहीं, ये ब्रज का साक्षात देवता, इन्हीं कृपा से सब कुछ हो रहा है। कृष्ण ने कहा बाबा ये बताओ आप कितने दिन से इंद्र पूजा कर रहे? बोले जब से जन्म हुए। बोले कभी अपने इंद्र को खाते हुए कभी देखा? भोग लगाते समय खाते हुए कभी देखा? बोले नहीं देखा नहीं। बोले बाबा अगर आप ये गिरिराज गोवर्धन को पूजा करोगे, आप सबके सब देखोगे इन्हीं आंखों से, ये गिरिराज प्रकट होकर स्वयं ग्रहण करते हुए आप साक्षात रूप में देखोगे, और आप जो कुछ मांगोगे आपका मन में जो कुछ इच्छा हो, धन दौलत पुत्र परिवार, आप जो कुछ मांगोगे गिरिराज गोवर्धन से ये साक्षात रूप में प्रकट होकर के आपका आशीर्वाद देंगे, सब यही इच्छा पूरी करेंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा बोले लाला हमने इन्हीं आंखों से देखेंगे ठाकुर जी को? बोले बाबा साक्षात रूप में देखोगे, ये सब वर प्रदान करेंगे, हमको इच्छा पूरी करेंगे। अरे कहे बोले फिर तो हम ये गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे, हमने कभी ठाकुर देखा ही नहीं कभी इन्हीं आंखों से। तब उन्होंने नंदा बाबा ने बोले जाओ पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की हम सबके सब पूजा करेंगे। पूरा ब्रज मंडल में 365 गांव में हल्ला हो गया, हम इंद्र पूजा नहीं गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। अभी जितने ब्रजवासी जब सुने देखेंगे फिर तो जो जितना जितना बना रहे था ना डबल डबल बना है। हाँ? जो 5 किलो सूजी का बना रहे थे हलवा, बोले हम 10 किलो बनवाएंगे गिरिराज के लिए। जो 5 किलो आटा की पूड़ी बना रहे थे मतलब 10 किलो बनाएंगे। जो 1 किलो रसगुल्ला लाना बना कर हम 2 किलो बनाएंगे। जो गुलाब जामुन बना रहे थे बोले हम डबल बनाएंगे गुलाब जामुन। अभी रात भर लग गई बनाने के लिए। कहते वहां तो 4 तरह का चावल लाए, एक तो फीका चावल लाए, एक मीठा चावल, एक नमकीन चावल, एक चावल में मटर पनीर डाल करके, कहते 4 तरह का तो चावल लाए, बोले 2 तरह का तो कढ़ी बनाए। हाँ कहते एक सोहागिनी कढ़ी और एक राड कढ़ी है। सोहागिनी बड़ी जिसमें पकौड़ा डाल करके बनाते, राड मतलब जो बिना पकौड़ा के। कहते 2 तरह का चूरमा बनाए, कहते एक हंसना एक रोना। हंसना मतलब होता है जो पतले में रखते खिल जाए, रोना मतलब जैसे घी टपकता है। कहते जितने तरह का दाल, उड़द का दाल, मूंग का दाल, अरहर दाल और छोला दाल, जितने तरह का दाल सबके से बनाए, जितने तरह का साग धोसा इडली, कहते पृथ्वी में जितने खाना है कहाँ से सीखे, ये आया कहाँ से? कहते ये सबके सब भगवान ब्रजवासी से ही आया, मूल भगवान है वहीं से ही, जितना हमारे भारत पृथ्वी में जितने खाना समझो वो वहीं से मूल उत्स है ब्रज है। हाँ इसलिए जितने तरह का, इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट है। अन्नकूट मतलब क्या? अन्न मतलब है अन्नकूट मतलब पर्वत, मतलब इतने इतने बना बना करके लाए पूरा गिरिराज गोवर्धन बन गया, पर्वत आकार में बन गया, इसलिए उसका नाम अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। अभी कृष्ण स्वयं आकर के पंचामृत के द्वारा उन्होंने पुरुष सुक्त मंत्र पढ़ करके श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण अपने हाथों से उन्होंने उनका अभिषेक किया है। अभिषेक करके भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाए, माला पहनाए, तिलक लगाए, हाँ लगा करके अभी भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को आसन दिया,
वहां पर पाद्य अर्घ दे करके जब उन्होंने श्री गिरिराज को तुलसी पत्ता डाल करके जब श्री गिरिराज को उन्होंने भोग लगाया, सचमुच से देखा गिरिराज जी विशाल स्वरूप में प्रकट हुए, जैसे आकाश को स्पर्श कर रहे, इतना विशाल स्वरूप लेकर के गिरिराज जी वहां प्रकट हुए। और जो कुछ भोग लगाया था सबके सब हाथ पसार पसार करके श्री गिरिराज गोवर्धन ग्रहण कर रहे थे। इसलिए आप लोग जाते हो परिक्रमा के लिए, वहां पर गांव पड़ता है आनवर ग्राम, आनवर ग्राम। जब उन्होंने मिनट में सब खाकर समाप्त कर दिया, भगवान का और लाओ और लाओ और ले आओ, जितना और कुछ बनाए ले आओ, इसलिए उसका नाम पड़ गया आनवर ग्राम, पड़ गया उसका नाम। ब्रजवासियों ने कहा, हे प्रभु हम तो गरीब ब्रजवासी, आप इतने भी संतुष्ट हो। फिर भगवान को तांबुल दिया और पानी तो तालाब के तालाब गिरिराज गोवर्धन पान कर लिया। अभी गिरिराज संतुष्ट हो गए, बोले ब्रजवासी हो अभी बर मांगो जो कुछ जाओ। सचमुच से ब्रजवासियों ने जो कुछ उन लोगों ने गिरिराज से प्रार्थना किया, गिरिराज जी सबकी इच्छा को उन्होंने पूरी किया है, सभी का इच्छा उन्होंने भगवान पूरी किया। लेकिन सबके से ब्रजवासी है, बोले हे प्रभु हमारा लाला कन्हैया के ऊपर में बार बार विभूति आ जाती है, ऐसे आशीर्वाद पर हमारे लाला सुखी रहे। हाँ फिर गिरिराज जी बोले जो कुछ तुम तो मांग लिया, मैं अपना तरफ से कुछ देना चाहता हूँ। देखो गिरिराज जी क्या बोल रहे हैं, कहते आज का दिन मेरे सेवा में जो एक चावल का किनका, केवल एक चावल की किनका मेरे सेवा में आज जो दिया, मैं उनका आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में उनको घरों में अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा। ये भगवान के मुंह से निकली हुई बात है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन में जाओ, वहां पर जो अन्नकूट होता है देखने का लायक है, वहां पर जो गुजरात से लोग आकर के जो अन्नकूट करते हैं वो देखने का लायक ही है। क्या भोग लगाते हैं, अन्नकूट महोत्सव है, क्योंकि उनको जो एक बार सेवा करेगा किसी जीवन में घर में अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं पड़ेगा। भगवान सभी को आशीर्वाद भगवान ने दिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी लेकिन कृष्ण तो सब खा लिए, मिनट में सबने सब खत्म कर दिया। कृष्ण तो सखा लोग थे, बोले कन्हैया और तेरे ठाकुर को हम पूजा नहीं करेंगे गिरिराज को। बोले क्यों, बोले तेरे ठाकुर लगता है बड़े भूखे ठाकुर है। बोले क्यों, बोले सबने सब खा लिया। जब हम इंद्र पूजा करते थे जो सूखा प्रसाद रहता था, हम 10-10-15-1 महीना तक तो खाते थे उसको, और तेरे ठाकुर तो किनका भी नहीं रखे, सबने सब खा लिया, रखा ही नहीं। कृष्ण कहते ऐसे मत कहा करो, सब अभी डबल डबल हो जाएगा हमारे गिरिराज जी, ऐसे आंख बंद करो। जब सब आंख बंद कर दिया ना, भगवान ने फिर हाथ घुमा लिया। हाँ इसलिए भगवान कौन है, भगवान को उपनिषद में बताया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान खाने से ये कम नहीं होता है, भगवान खाने से बढ़ता है। इसलिए जब उन्होंने हाथ को घुमा दिया, जो जितने जितने लाए थे सबके सब डबल हो गया, सबके सब। जो 5 किलो जो सूजी को हलवा बनाकर लाए थे 10 किलो हो गया, जो 2-1 किलो रसगुल्ला लाए थे 2 किलो हो गया, जो लड्डू बनाकर लाए सबके सब सब डबल डबल हो गया। ब्रजवास सब तरस उठे, बोले भैया हम तो बहुत गड़बड़ी कर दिए। बोले क्या, हमको पता नहीं था ये डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और तो ज्यादा बना करके लाते तो और डबल डबल हो जाता। फिर कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों खूब पेट भर कर खाओ और चलो हम सबके सब गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। देखो ये सर्वप्रथम परिक्रमा कृष्ण स्वयं राधा रानी गोपियों को ब्रजवासियों को लेकर की, सर्वप्रथम बलदेव प्रभु को लेकर की कृष्ण स्वयं परिक्रमा उन्होंने किया है। जितने बड़े बड़े थे उनको गाने में बैठा दिया, और जितने जवान थे सबको लेकर के ढोलकी और करताल लिए उठा करके भगवान स्वयं परिक्रमा करने के लिए निकले। कहते हम भी गिरिराज की परिक्रमा करें, क्योंकि जो परिक्रमा करेगा गिरिराज उसको इच्छा पूरी कर देते हैं, और भगवान उसको पीछे पीछे प्रभु उसको पीछे पीछे चलते हैं। हम भी इसको बीच में रख लेना, हम भी यहाँ पर गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। कहते जो परिक्रमा है, कहते ये 2 तरह का होता है, इस चीज को सुना। कहते 2 तरह का, कहते कहते आप बोलोगे गिरिराज थोड़ी यहाँ है, गिरिराज तो कहाँ पर, ब्रजमंडल में, फिर हम परिक्रमा कैसे करेंगे। कहते परिक्रमा 2 तरह का, कहते एक शरीर से और एक मन से होता है, एक शरीर से होता है एक मन से होता है। लेकिन आप बोलोगे मन मन करने से थोड़ी पेट भरता है, मन मन खाने से थोड़ी पेट भरता है। कहते नहीं, भगवान की जो भक्ति है, कहते कलयुग में भगवान की विशेष भक्ति है।
कहते जो मन मन में अगर कोई पाप करेगा उसको पाप नहीं फिरा जाएगा, लेकिन अगर मन मन में कोई पुण्य करोगे भगवान की भक्ति करोगे तो उसको माना जाएगा। कलयुग का विशेष महिमा ये है। इसलिए अगर कोई मन मन में भी भगवान की कोई परिक्रमा करे तो उसको आपको सब कुछ फल मिलेगा। इसलिए हमारे प्रभुपाद ने एक ब्रह्म वैवर्त पुराण ग्रंथ है वहां से उन्होंने उठा करके उन्होंने कथा सुना है। बोले एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, कहते मन में तो बड़ी इच्छा होती थी ठाकुर जी को सेवा पूजा करे, लेकिन गरीब था। हाँ, एक दिन कथा सुन रहा था, उन्होंने कथा में सुना है अगर भगवान को कोई मन मन में भी अगर कोई भगवान को सेवा करे तो ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते, उसको भी कृपा करते। बड़ा खुशी हो गया, बोले मेरे पास में कुछ है ही नहीं, ठाकुर जी कहते मन मन में भी सेवा कर होगा। तो उसने क्या किया, अपना घर में आकर के बैठा और सोचा जी मन मन में ठाकुर जी की सेवा करूंगा। उनने मन मन में सुंदर मंदिर बनाया, मन मन में उन्होंने सोने का सिंहासन बनाया और लक्ष्मी नारायण को स्थापन किया। मन मन में सब कर रहा है, इतने आविष्ट हो गया, बोले ठाकुर जी को आज गंगा पानी में स्नान कराएंगे, पंचामृत के भगवान को स्नान कराया और बोले आज सोने का जरी का एम्ब्रॉयडरी जिसे वस्त्र में काम है उसका आज ठाकुर को पहनाएंगे और रत्न का हार पहनाएंगे। सब मन मन में ठाकुर जी को खूब सेवा किया। बोले ठाकुर जी का आज भोग लगाएंगे, बोले क्या भोग लगाएंगे, बोले खीर भोग लगाएंगे ठाकुर जी, और सोने की कटोरी में भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। इसलिए उन्होंने मन मन में ठाकुर जी को सोने की कटोरी में ठाकुर जी को खीर दिया। नियम है ठाकुर जी का जब भोग लगाएंगे देख करके, जैसे एकदम गर्म गर्म चीजें हम नहीं खा सकते, ठाकुर जी को भी गर्म गर्म नहीं देनी चाहिए, और ठंडा समय में थोड़ी सी गर्मी हो, गर्म समय थोड़ा ठंडा चाहिए, जैसे हमको पसंद है। नियम है ऐसी सेवा करनी चाहिए। अभी वो सोच रहे हैं कि गर्म ना ठंडा थोड़ा देखूं मन मन में, लेकिन जब उसने अंगुल उन्होंने डाला उसका अंगुली फबला पड़ गया, जल गया उसका अंगुली, उसको ध्यान टूट गया, देखा अंगुल जला हुआ है। अगर उसमें अंगुल जल गया तो वो ठाकुर का सेवा भी नहीं लग सकता, क्योंकि अपवित्र हो गया वो चीज, और बैठ करके रो रहा है आज ठाकुर को मैंने खिला नहीं सका। इतने में बैकुंठ भगवान बैठ कर हंस रहे, माँ लक्ष्मी उनका चरण पलट रही थी। माँ लक्ष्मी ने पूछा प्रभु आप हंस रहे हैं क्यों, बोले कोई बात नहीं, बोले नहीं जरूर कोई बात है, ऐसे थोड़ी कोई हंसेगा। बोले देखो मृत्यु जगत में मेरा भक्त मानसिक रूप में मेरा सेवा कर रहा, करते करते इतने उसमें तन्मय हो गया, वो खीर में अंगुल डाला तो अंगुल जल गया, वो बैठ करके रो रहा है ठाकुर जी का आज मैं भोग नहीं लगा पाया। बोले ऐसे भक्त रहते, बोले हाँ, बोले प्रभु मेरे को ले चलो हम भी दर्शन करेंगे। भगवान लक्ष्मी को लेकर आए, देखा वो भक्त बैठ करके रो रहे हैं, फिर भगवान को भक्तों को गरुड़ को पीठ में बैठाया और सीधा प्रभु लेकर के उसको वैकुंठ में चले गए। इसलिए अगर मानसिक रूप में भी ठाकुर को सेवा अगर कोई कर सकता है ठाकुर उसको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर भी परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा बीच में रख कर करेंगे, इसलिए आप लोग सबके साथ हम मृदंग करता लेंगे और गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग तो गिरिराज गोवर्धन में गए हो, जैसे देखो और एक मिनट देखो, पहले दान घाटी आता है, जानते हो ना दान घाटी, पहले जहाँ पर कृष्ण ब्रज गोपियों से दूध दही के दान लेते थे दान घाटी है, इसलिए दान घाटी से परिक्रमा हम शुरू करते हैं। फिर आता है दान निवर्तन कुंड, जहाँ पर गोपियाँ उल्टा कृष्ण से दान लिया था, उसके बाद में पढ़ता है फिर गोविंद कुंड है, फिर पुछरी की लौटा पढ़ता है, फिर पढ़ता है जतिपुरा जहाँ पर श्री माधवेंद्रपुरी जहाँ पर गोपाल जी को प्रकट किया, फिर पढ़ता है उद्धव कुंड है, फिर राधा कुंड श्याम कुंड आता है, फिर आता है उसमें सरोवर है, फिर नारद कुंड, फिर मानसी गंगा, फिर लास्ट में आता है हरिदेव है। हरिदेव मतलब जहाँ पर भगवान गिरिराज गोवर्धन को जहाँ पर उन्होंने उठाया था। नियम है परिक्रमा करके श्री हरिदेव को दर्शन करने पर परिक्रमा की पूरी फल मिलता है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे, पिताई गौर प्रेम। इसको है ना